हेलो स्टूडेंट्स, क्लास सिक्स चैप्टर एट। बच्चों हमारा अभी चैप्टर एट रनिंग में है, जिसका नाम है हमारा ए गेम ऑफ चांस। ठीक है, आइए हम इसका जो है नेक्स्ट पैराग्राफ रीड करते हैं। तो इसका सेवन्थ जो पैराग्राफ है वो है कि आई वॉन्टेड टू ट्राई माई लक टू, मैं भी अपनी किस्मत को आजमाना चाहता था। आई लुक्ड एट भैया, मैंने भैया की ओर देखा। ही इंकरेज्ड मी, उन्होंने मुझे, इंकरेज मीन्स यानी किसी को प्रोत्साहित करना, उन्होंने मुझे प्रोत्साहित किया। आई पेड 50 पैसे एंड टुक 6 डाइसेज, मैंने 50 पैसे दिए और जो 6 डाइसेज थी उनको उठा लिया। माई लक वॉज नॉट टू गुड, मेरी किस्मत उतनी अच्छी नहीं थी। आई गॉट 2 पेंसिल्स और मुझे इनाम में क्या मिली, 2 पेंसिल मिली। द शॉपकीपर बॉट देम फ्रॉम मी फॉर 25 पैसे, दुकानदार ने उन दोनों पेंसिल को मुझसे 25 पैसे में वापस खरीद लिया। आई ट्राइड अगेन, मैंने दोबारा कोशिश की। दिस टाइम आई गॉट अ बॉटल ऑफ इंक, इस बार मैंने जो है एक इंक की जो बोतल होती है उसको जीता। आल्सो ऑफ लिटिल वैल्यू, जिसकी भी कीमत कम थी। द शॉपकीपर बॉट दैट टू फॉर 25 पैसे, दुकानदार ने उसको भी मुझसे 25 पैसे में खरीद लिया। आई टुक अ चांस फॉर द थर्ड टाइम, मैंने फिर तीसरी बार जो है अपनी किस्मत आजमाने का ट्राई किया। स्टिल लक वॉज नॉट विद मी, इस बार भी किस्मत मेरे साथ नहीं थी। आई हैड होप्स ऑफ विनिंग अ बिग प्राइज एंड कंटिन्यू टू ट्राई माई लक अगेन एंड अगेन, इस उम्मीद में कि मैं शायद कोई बड़ा इनाम जीत जाऊँ, तो मैं लगातार अपनी किस्मत को बार बार आजमाता रहा। पेइंग 50 पैसे इस टाइम, हर बार 50 पैसे देकर। बट एवरी टाइम आई गॉट अ ट्रिफल, लेकिन हर बार आई गॉट अ ट्रिफल, मुझे जो है ट्रिफल मीन्स होता है कम कीमत की वस्तु, यानी ए एन ऑब्जेक्ट ऑफ लिटिल वैल्यू, जिसकी कि कम कीमत हो, उस तरह की ही मैं प्राइज जीता रहा। एट लास्ट आई वॉज लेफ्ट विद ओनली 25 पैसे, अंत में जब मेरे पास 25 पैसे बचे, अगेन द शॉपकीपर शोड हिज काइंडनेस, दुकानदार ने दोबारा अपनी दया दिखाई। ही सेड आई कुड आइदर प्ले वन मोर विद 25 पैसे और सेटल द अकाउंट देन एंड देयर, तब उसने कहा कि तुम एक बार फिर से 25 पैसे जो है उसको लो और फिर मेरे साथ जो है इस गेम को खेल सकते हो और फिर अपना जो है तुम हिसाब बराबर कर सकते हो। आई प्लेड अगेन एंड द लास्ट 25 पैसे आल्सो डिसअपीयर्ड, मैंने फिर दोबारा खेला लेकिन जो लास्ट मेरे पास 25 पैसे थे वो भी मेरे पास से चले गए। पीपल वर लुकिंग एट मी, लोग मेरी ओर देख रहे थे। सम वर लाफिंग एट माई बैड लक, कुछ मेरी बैड लक पर यानी बुरी किस्मत पर हंस रहे थे। बट नन शोड एनी सिंपथी, लेकिन किसी ने भी, सिंपथी मीन्स होता है सहानुभूति, किसी ने भी मेरे प्रति किसी भी प्रकार की सहानुभूति नहीं दर्शाई। भैया एंड आई वेंट टू द प्लेस वेयर अंकल हैड लेफ्ट अस, भैया और मैं वापस उसी स्थान पर गए जहाँ पर अंकल हमें छोड़कर गए थे। एंड वेटेड फॉर हिम टू रिटर्न, और उनके वापस आने का इंतजार करने लगे। प्रेजेंटली ही केम, तुरंत ही या शीघ्र ही वो वापस आ गए। ही लुक्ड एट मी, उन्होंने मेरी ओर देखा। एंड सैड और बोले, रशीद यू लुक अपसेट, रशीद तुम जो है कुछ अपसेट दिखाई दे रहे हो। वॉट इज द मैटर, क्या बात है। आई डिड नॉट से एनी थिंग, भैया मैंने भैया को कुछ भी, मैंने वो आई डिड नॉट से एनी थिंग, मैंने कुछ नहीं बताया। भैया टोल्ड हिम वॉट हैड हैपन्ड, भैया ने उनको बता दिया कि जो जो हुआ था, यानी जो कुछ भी घटना घटित हुई थी उस सबके बारे में भैया ने अंकल को बता दिया। अंकल वाज नेदर एंग्री नॉर सैड, अंकल ना तो गुस्सा हुए और ना ही दुखी हुए। ही स्माइल एंड पेटेड मी, वे मुस्कुराए और उन्होंने मेरी पीठ को थपथपाया। ही टुक मी टू अ शॉप एंड बॉट मी ए, तब वो मुझे एक दुकान पर ले गए। एंड बॉट मी ब्यूटिफुल अम्ब्रेला, बिस्किट्स एंड स्वीट्स एंड सम अदर लिटिल गिफ्ट्स, तब उन्होंने मुझे जो है एक सुंदर छाता, बिस्किट्स, मिठाइयाँ और बहुत से छोटे गिफ्ट जो है खरीद कर दिए। देन वी रिटर्न होम, फिर हम घर वापस आ गए। बैक होम, घर वापस आने पर अंकल टोल्ड मी, अंकल ने मुझे बताया दैट कि द लक्की शॉप मैन हैड मेड अ फुल मी, कि जो लक्की शॉप का जो आदमी था उसने मुझे जो है मूर्ख बनाया। नो अंकल आई सेड, मैंने कहा नहीं अंकल, इट वॉज जस्ट माई बैड लक, यह केवल मेरा बैड लक था। नो माई बॉय सेड अंकल, अंकल ने कहा नहीं मेरे बच्चे, इट वॉज नेदर गुड लक नोर बैड लक, ना तो ये कोई अच्छी किस्मत और ना ही इसमें कोई बुरी किस्मत थी। बट अंकल आई सेड, तब मैंने कहा लेकिन अंकल
आई सा एन ओल्ड मैन, मैंने एक बूढ़े आदमी को देखा गेटिंग अ क्लॉक, एक घड़ी पाते हुए, घड़ी जीतते हुए, एंड अ बॉय गेटिंग टू और थ्री कॉस्टली थिंग्स, और एक लड़के को जिसने दो से लेकर तीन चीज़ें यानी कॉस्टली चीज़ों को उसने जीता था। यू डोंट नो चाइल्ड, बच्चे तुम नहीं जानते हो, अंकल सैड अंकल ने कहा, दे वर आल फ्रेंड्स ऑफ द शॉपकीपर, वे सभी उस दुकानदार के फ्रेंड्स थे, दे वर प्लेइंग ट्रिक्स टू टेम्प्ट यू टू ट्राई योर लक, वे सभी तुम्हें जो है खेल खेलने के लिए प्रलोभन यानी लालच दे रहे थे कि तुम भी अपनी किस्मत को आजमाओ, दे वॉन्टेड योर मनी एंड दे गॉट इट, वे तुम्हारे पास जितना पैसा था उसको लेना चाहते थे और उन्होंने वो लिया भी, नाउ फॉरगेट अबाउट इट, अब इसके बारे में भूल जाओ, एंड डोंट टेल एनीबडी, और किसी को भी मत बताना ऑफ योर बैड लक, अपने बैड लक के बारे में, और योर फुलिशनेस, और अपनी मूर्खता के बारे में। ठीक है बच्चों, अभी इस चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है, कल से हम इसकी एक्सरसाइज करनी शुरू करेंगे। ओके, थैंक यू।